हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, हैप्पी दिवाली। आज है धनतेरस। वैसे तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 12 को धनतेरस है, कोई बोलता 13 को है, मतलब कब है आज का टमाटर बड़ा मजेदार धनतेरस। ये टमाटर है ना, बहुत बड़ा था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सच्ची में बहुत बड़ा टमाटर मिला यार। और यहाँ पर ना आज हम करंजी बना रहे हैं, यानी कि गुजिया, यहाँ पर करंजी बोलते हैं। और ये महाराष्ट्र में, मतलब यहाँ पर ना दिवाली में बनती है, और हमारे उत्तराखंड में तो हम लोग होली में बनाते थे। तो यहाँ पर ये रवा है 1 किलो। मैं इसको ना भून लूँगी पहले कढ़ाई में ऐसे ही बिना उसके, फिर मम्मी इसका मसाला बनाएगी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि करंजी बनाना तो सबको आता ही है ना। तो ये सुबह दिन का था, उसके बाद मैंने खाना बनाया। अब यहाँ पर ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं। तो गाइस ना, मैं दिन में ना यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर कैंडल वगैरह और ये लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे, तो इस साइड को यहाँ पर धूप आ रही थी ना, तो कैमरा एकदम ऐसा अंधेरा अंधेरा आया है, तो फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, और इसलिए। तो यहाँ पर देखिए आप, काला काला आ रहा है। गाइज, अभी दिन का बजा है 3, और यहाँ पर ना हम करंजी बनाना स्टार्ट कर दिया है। 3 नहीं 2:30 बजा हुआ था, मैंने बच्चों को सुलाया और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मैं भी आ गई थी बच्चों को सुला के। तो अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं करंजी वगैरह, और यहाँ पर अभी भी अंधेरा ही आ रहा होगा। देखो मेरा ना, मैंने यहाँ पर कैमरा लगाया था फिर भी अंधेरा आया हुआ था, क्योंकि ना आजकल जल्दी से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि आजकल दिन छोटे होते हैं यार। और हम लोग ना इतना थक गए आज 3 बजे से, मतलब 2:30 बजे से जो काम में, ये करंजी के काम में लग गए थे, शाम का 6 बज गया था, तब तक यही करने में थे। और आज पूरा दिन इतना बिजी गया, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस मैं। अभी अभी कितना बजा है पता है? मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ, 11:30 हुआ है रात का, और अभी मैं सो जाऊँगी। मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, और आजकल ना इतना काम हो रहा है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है यार, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है आजकल। ये देखिए करंजी हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ पर पेपर में रखते जा रहे थे, और मैं बेल रही थी, मम्मी उसके अंदर भर रही थी, क्योंकि ना वो जो साँचा होता है ना उसमें नहीं बनाते, मम्मी बोलती है उसमें बहुत छोटा सा बनता है, इसलिए मैं, मतलब मम्मी ऐसे ही बनाती है पहले से ही, जब से वो बनाना स्टार्ट किए बहुत सालों से, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो ऐसे बना के मैं गोल कर रही थी, और उसके अंदर मम्मी ऐसे भर के और साइड में दूध लगा के, ताकि उसको फिर वो चिपक जाए, फूटे ना इसकी वजह से, और फिर ऐसे चिपका देगी, और साइड से फिर वो सांचे वाला चम्मच होता है ना जिसमें ऐसे सांचा आ जाता है, उससे कट कर देगी, और वो अच्छा सा बन जाता है गाइस। लोग तो, कोई लोग तो हाथ से भी बनाते हैं, सबका अपना अपना होता है तरीका बनाने का। और ना ये करंजी खाने में बहुत टेस्टी होती है, और बनाने में उतनी ज़्यादा झंझट वाली होती है, होती है कि नहीं है आप लोग ज़रूर बताना। और सच्ची में बहुत झंझट होता है इसमें बनाने का, क्योंकि इसको बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और चीज़ बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना इसको बनाने में लगता है। और मम्मी और मैं लगे पड़े थे इतने घंटों से। ये देखिए इतनी सारी बनी हुई है, और अभी मैंने यहाँ पर तेल रख दिया, मैंने 1 लीटर पूरा इसमें तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें तलेंगे ना तो ये गंदी नहीं होती है, और गंदी भी होती है जल्दी साफ़ हो जाती है, तो इसलिए बड़ी वाली कढ़ाई रखी है, ताकि 5-6 में एक साथ तल लूँ इसमें। तो तेल हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी करंजी, और गर्मा गर्म करंजी बनाऊँगी। Thank you.
बस मैंने ना तेल गर्म होने के बाद इसको स्लो कर दिया था और मैं स्लो में ही फ्राई कर रही थी। बहुत टाइम लग गया था इसको फ्राई करने में, मेरे पाँव भी बहुत दुख गए थे गाइस। और अभी इस बार हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, एक आध मिठाई बना देंगे। और वैसे ना हर साल हम लोग बहुत बनाते हैं, नमकीन वगैरह, चकली और शंकर पाली, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन इस बार बहुत चीज़ें नहीं बनेंगी, बस करण जी तो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार बना दो ना तो तोड़ देने। और यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली थी, आपने देखा होगा, क्योंकि 4 बज गया था तो मैंने कहा चाय भी बना देती हूँ और साथ में करण जी भी तलते रहूँगी, क्योंकि 25-30 बने हुए थे ना, तो मम्मी ने बोला पहले तल लो और मैं तब तक बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो सूख जाते हैं, इसलिए मैं पहले तल रही थी। मैंने कहा चलो चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि 4 बज गया था, टाइम हो गया था चाय पीने का, तो मैं यहाँ पर चाय भी पी रही हूँ और करण जी भी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं बाहर करण जी लेने भी गई थी, ये देखिए, और करण जी भी मेरी गर्मा गर्म बन रही है। यहाँ पर स्पीड फास्ट कर दी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था मेरा, आप लोग समझ सकते हो। और ये देखिए कितनी अच्छी करण जी बनी हुई है, फूली फूली सी। और सच्ची में ये करण जी ना हमने क्या किया था पता है, जो मतलब दिवाली के दिन हम लोग पूजन करेंगे ना, वो सब निकाल दी थी पहले जो हमने बनाई, ये सब बनाई। और उसके बाद मम्मी ने अलग से जो प्रसाद, जो मतलब जो अंदर भरते हैं ना, वो भी अलग से बनाया हुआ था, वो बाद में फिर अलग वो ही आटे से जो बचा हुआ था, तो उससे फिर हमने खाने के लिए भी करंजी बनाई, तो वो इतनी टेस्टी हो रही थी। क्यों पता है, हमने कल वो बनाया था मक्खन बनाया था, उसमें पानी डाल के उससे हमने ये करंजी का आटा गूंदा ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खस्ती और बहुत अच्छी बनी है, मतलब टेस्टी बनी है, हर बार से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है, इस बार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और यहाँ पर ना बच्चे सोए थे इसलिए हमारा काम हो रहा था, क्योंकि अगर बच्चे फिर उठ गए थे बाद में, फिर बच्चे लोग परेशान भी करने लग गए थे, फिर इसके पापा आए थे तो इनको गार्डन लेके गए थे। तो ये देखिए मेरी इतनी सारी करंजी बन के हो गई है रेडी, और ये लास्ट वाले थे, अभी बस इतनी बची हुई है और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको मैंने हम लोगों ने कितनी करंजी बनाई। इतनी सब बनाई थी गाइस, बनाई होंगी यार लगभग बहुत सारी हो गई थी, पता नहीं मैंने काउंट तो नहीं की, पर ये सब हैं और थोड़ा सा दूसरे में भी हैं, ये सब हैं। और इस बार मैं अपने मायके भी लेके जाऊंगी इस करंजी को, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप लोगों को तो मालूम है। और यही था आज का ब्लॉग। और ना आज रंगोली भी बनाई, क्योंकि धनतेरस का आज भी है कल भी है, और हमने सामान कुछ खरीदा नहीं है अभी धनतेरस का, क्योंकि हम कल सुबह खरीदेंगे धनतेरस वाला सामान। और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ मंदिर वाले रूम के खिड़की के बाहर, वहाँ पर तुलसी वगैरह सब कुछ रखा है ना, तो वहाँ पर मैं माला लगा लूँगी लाइट की। और इस समय ये बजा हुआ है 6, मेरा सब काम हो चुका था, उसके बाद मैं यहाँ माला लगाने गई हूँ, अंधेरा भी हो गया बाहर देख लीजिए, और खिड़की के बाहर मैं माला लगा रही हूँ, और 6 बज गया था गाइस यहाँ पर माला लगाते हुए। हॉल में तो दिन सुबह लगा ली थी, लेकिन यहाँ पर रह गई थी, अभी मंदिर में लगानी बाकी है माला, और यहाँ पर मैंने लगा दी। तो ये फिर ये क्या हुआ था पता है, दूर से लग गया था और वहाँ पर फिर बाद में मैंने साइड से लगाया, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। ये मैंने इधर लगा दिया ना अभी, लेकिन मैंने यहाँ से लगाना है अभी, वो प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर लग नहीं रहा है, वो देखते हैं पापा आएंगे ना तो वो ही ठीक करेंगे। ये देखिए अभी दिन को नहीं दिख रहा था ना हॉल में, अभी रात को दिख रहा, देखो कितना अच्छा सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और रात को अच्छा लगता है क्योंकि ये कांच वाला है ना, हमारा अंदर पूरा आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और यहाँ पर कैंडल लगी है, यहाँ पर ये लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने रंगोली बनाई, रंगोली का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन लास्ट में मैंने ये रिकॉर्ड किया, बस इतना सा बनाया था गाइस, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता है रंगोली, बस मैं बस ट्राई किया, बस थोड़ा सा ऐसा बना, और जो गुलाब का फूल था अच्छा बन गया था, लेकिन ऊपर वो जो कलर्स होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं बना था मेरे से। और आप लोग ज़रूर बताना आपके उधर क्या चल रहा है दिवाली में। और वीडियो को यहीं पर एंड भी करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हैप्पी दिवाली।